अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट हाउ डू फायर क्रैकर गेट देयर कलर, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड फायर क्रैकर्स एंड व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फायर क्रैकर्स। एंड दीज फायर क्रैकर्स आर यूज्ड इन आवर फेस्टिवल्स एंड टू टाइप्स ऑफ फायर वर्क्स। फर्स्ट इज अ स्पार्कलर एंड द सेकेंड इज फायर क्रैकर। Sparklers are those that they are emit showers of light, showers of color, spark, noises and other effect. Sparklers जो होते हैं वो हैंड हैंडल भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक वो फायर क्रैकर से ज्यादा वो सेफर होते हैं। लेकिन फायर क्रैकर में क्या होती है, स्मॉल एक्सप्लोजन होती है। किस वजह से स्मॉल एक्सप्लोजन होती है, क्योंकि हम लोगों ने रोल किया होता है पेपर को, गन पाउडर को इस तरह टाइटली रोल किया होता है पेपर के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक लार्ज बैंग प्रोड्यूस करती है, बूम की आवाज आती है फायर क्रैकर में। केमिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर। फायर क्रैकर की केमिस्ट्री क्या है, टू मेन मैकेनिज्म ऑफ कलर प्रोडक्शन इन फायर क्रैकर्स इन फायर वर्क्स। फर्स्ट वन इज इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस में जो अमिशन ऑफ लाइट होती है बाय हाई टेम्परेचर एज अ सब्सटेंस हीट अप इट अमिट कलर्स इन डिफरेंट स्टेजेस। और फिर ये जब हाई टेम्परेचर पर इसकी हीट अप होती है तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, स्टार्टिंग विद इंफ्रारेड, रेड, ऑरेंज, येलो एंड वाइट, और एज इट बिकम्स इंक्रीजली हॉटर। ल्यूमिनेसेंस में जो अमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस की होती है डेट हैज नॉट बीन हीटेड, हीटेड नहीं होता, ठीक है। और ल्यूमिनेसेंस में कैसे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से जो हायर स्टेट में जाता है और वहां पे उस वह हायर स्टेट में अनस्टेबल हो जाता है, और वहां से वो एनर्जी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और बाद में एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ जाते हैं, दोबारा जब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो फिर एक्साइटेड स्टेट से वो दोबारा जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपनी अब्सॉर्ब की हुई एनर्जी को एमिट करता है और हमें कलर्स प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। एंड द कलर्स आर प्रोड्यूस बाय हीटिंग मेटल साल्ट, मेटल साल्ट को हीट करके, सच एज कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट, जो कि एमिट कलर्स को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो मैकेनिज्म है। पैरोटेक्निक एक आर्ट है फायर वर्क्स को बनाने की, और जो कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इन आर्ट में जो है फ्यूल की मिक्सिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है, फ्यूल लाइक बर्नेबल मटेरियल, ठीक है, फ्यूल लाइक कार्बन, कार्बन मीन हमारा कोयला या हमारा चारकोल, कोयला या हमारा चारकोल। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लेता है, किससे, एयर से ऑक्सीजन लेता है, तो वहां पे बर्निंग जो है हमें शो होती हुई नजर आती है, बर्निंग होती है, बर्निंग जो है वो शो होती हुई नजर आती है। लाइक फिर इसी तरह इसकी भी ऐसी टेक्निक आर्ट होती है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बाइंडर के साथ यूज करते हुए हम बर्निंग का, फ्यूल का काम करते हैं। ये जो बर्निंग है ये फ्यूल ऑक्सीडाइजर के साथ इंट्रैक्शन करता है, कोइंसाइड करता है, तो जो बाइंडर है वो भी बर्न होता है एयर में, और यहाँ पे जो है फ्लेम की फॉर्मेशन होती है। और ये इफेक्ट जो है सिलेक्टिव लाइट एमिशन जो है प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स की मौजूदगी में हमें लाइट की एमिशन नजर आती है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फायरवर्क्स, फायरक्रैकर्स, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो सिल्वर कलर के हमें सिल्वर प्रोड्यूस सिल्वर एंड वाइट फ्लेम जो है स्पार्क हमें प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। ये कॉमन कंपोनेंट है स्पार्कलर्स का। एंड द नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन एक मेन जो है कंपोनेंट है ब्लैक पाउडर का, जो कि यूज होता है प्रोपेलेंट में, फायरवर्क्स में कार्बन एक फ्यूल के तौर पर भी यूज होता है, और कॉमन फॉर्म इंक्लूड है कार्बन की ब्लैक, शुगर एंड स्टार्च। कार्बन
तो हम कार्बन अपनी एक मैकेनिज्म हमारे जो है डेली लाइफ में हमारे अंदर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहता है होता है। कार्बन हम ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन भी हम ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म हो रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम अमिट करते हैं और वहां पे थोड़ी सी अमाउंट में लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड थोड़ी सी अमाउंट में लाइट की एमिशन होती है। लाइक हमारे जो फायर क्रैकर्स का अमल है वो हमारी बॉडी में भी हो रहा होता है, लाइट वहां पे एमिट हो रही होती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो लाइट एमिट हो रही होती है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारी लाइट भी वहां भी एमिट हो रही होती है। ठीक है, एंटीमनी जो है वो फायर क्रैकर्स में जो ग्लिटर इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड द बेरियम जो है वो ग्रीन कलर्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे फायरवर्क में, और वो दूसरे वोलेटाइल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। कैल्शियम जो है फायरवर्क में एज अ डीपर के तौर पे यूज होता है, कैल्शियम साल जो है वो ऑरेंज फायरवर्क ऑरेंज कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद क्लोरीन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनी ऑक्सीडाइजर का इन फायरवर्क में, और जो ये जो है ये सेवरल ऑफ द मेटल्स आर दैट प्रोड्यूस कलर्स कंटेन क्लोरीन। ठीक है, कॉपर जो है कंपाउंड वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है फायरवर्क्स में। आयरन जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है और हीट ऑफ द मेटल डिटरमिन इन द कलर्स ऑफ स्पार्क। लिथियम जो है वो रेड कलर इंपोर्ट करता है फायर क्रैकर्स में, और जो है लिथियम कार्बोनेट इज अ पार्टिकुलर इज अ कॉमन कोलोरेंट। मैग्नीशियम जो है एक ब्राइट व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है और व्हाइट स्पार्क भी जो कि ब्रिलियंस जो है वो प्रोड्यूस होती हुई हमें नजर आती है। फॉस्फरस जो है वो एयर में स्पॉन्टेनियसली जो है वो बर्न होता है, और यहाँ पे कुछ डार्क इफेक्ट में हमें ग्लो नजर आ रहे होते हैं जो कि एज अ फ्यूल के कंपोनेंट के तौर पर फॉस्फरस यूज होता है। ऑक्सीजन जो है उसमें ऑक्सीडाइजर इंक्लूड होते हैं जो कि प्रोड्यूस ऑक्सीजन को करते हैं ताकि बर्निंग हो वहां पे, और ऑक्सीडाइजर हम यूजली नाइट्रेट क्लोरेट परक्लोरेट हो सकते हैं। सम टाइम जो ऑक्सीडाइजर जो है वो भी यूज हो रहते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड कलर्स के लिए भी हम जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजर ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से नाइट्रेट में से या क्लोरेट में से या परक्लोरेट में से। पोटाशियम जो है वो फायरवर्क ऑक्सीडाइज करता है फायरवर्क के मिक्सचर को, और पोटाशियम नाइट्रेट पोटाशियम क्लोरेट जो है इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजर है। सोडियम जो है हम अपने लैब में भी यूज करते हैं, तो सोडियम जो है हमें एक गोल्डन ग्लो कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है, और जो है ये कलर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, डेट मास्क लेस कलर। सल्फर जो है ब्लैक वाटर का कंपोनेंट होता है जो कि फायरवर्क में प्रोपेलेंट में फ्यूल में यूज होता है। स्ट्रॉन्शियम जो साल्ट है वो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रॉन्शियम कंपोनेंट जो है वो स्टेबलाइजिंग फायरवर्क मिक्सचर को स्टेबलाइज करता है। टाइटेनियम मेटल जो है वो पाउडर या फ्लेक्स को बर्न करता है ताकि सिल्वर जो कलर के स्पार्क प्रोड्यूस हो। जिंक जो है वो स्मोक इफेक्ट देता है फायरवर्क्स में या किसी भी अदर पैरोटेक्निक डिवाइस में। एंड द नेक्स्ट इज साउंड ऑफ फायरवर्क्स। तो हम नॉइस की बात करते हैं, जब फायरवर्क्स जब जलते हैं तो हमें नॉइस की आवाज जो आती है, नॉइस आती है बूम की आवाज आती है, वो किस लिए होती है कि रैपिड जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो एयर में होती है जो कि एयर को क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है साउंड की निस्बत, और वहां पे हमें एक स्मॉल सोनिक बूम की आवाज जो है वो सुनाई देती है। दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज।